जय श्री राम। मेरा नाम नमन गर्ग है और मैं आपके ही क्षेत्र शास्त्रनगर का रहने वाला हूँ। आज पीयू ब्लॉक में मुझे शंकर जी का रोल निभाने का मौका मिला है और आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अपने रोल से आपको एंटरटेन कर सकूँ। जय श्री राम। नमस्कार सभी दर्शकों को, जय श्री राम। मेरा नाम आशीष शर्मा है और आप ही के बीच इस रामलीला में, नीतमपुरा पीयू ब्लॉक की रामलीला में, आज मैं विष्णु का किरदार निभा रहा हूँ। और विष्णु भगवान जो सर्व ज्ञाता है, सर्व शक्तिमान है, और पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप ही के समक्ष एक अच्छा रोल करने की मैं कोशिश करूँगा। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम सनी है और मैं आज रामलीला का पहला दिन है और मैं पहले दिन में आज नारद का किरदार निभाने वाला हूँ। अलग अलग दिन में मेरे अलग अलग पात्र हैं और हमारे हरीश भैया, सचिन भैया, इन सब ने बहुत मेहनत की है मुझे सिखाने में और आज उस मेहनत का फल देने का दिन है। जय श्री राम। देखते हैं अब क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश शर्मा है। इस साल मैं पीयू ब्लॉक पीतमपुरा में श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। कृपया आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि विष्णु जी के किरदार के साथ साथ मैं लक्ष्मण का किरदार भी निभाने वाला हूँ आप सभी के प्यार से। और सभी को तहे दिल से धन्यवाद और सभी ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की है और मेरा वादा है सभी के मेहनत को मैं सफल करके दिखाऊंगा। हरीश भैया, सचिन भैया, सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम खीमचंद है और मैं पीयू ब्लॉक की रामलीला में डांस डायरेक्शन का काम कर रहा हूँ और आज हमारा फर्स्ट दिन है और एक किरदार भी मैं निभा रहा हूँ, कामदेव का। तो आशा करते हैं कि आप इसको देखिएगा, सराहिएगा और सहयोग दीजिएगा आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम मनीषा है और मैं पिछले 5 सालों से सीता का रोल कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं पीयू ब्लॉक की रामलीला में सीता का रोल कर रही हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है कि मैं इस बार सीता का रोल यहाँ पर कर रही हूँ और आज मेरा यहाँ पर लक्ष्मी जी का रोल है। तो आइए, बस आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग यहाँ पर आइए और हमको सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमने इन रामलीला के लिए बहुत मेहनत करी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम राकेश वर्मा है और मैं पीयू ब्लॉक रामलीला में कम से कम 18 साल से प्ले कर रहा हूँ। आज का मेरा रोल सील दीदी का है जिसके अंदर विश्व मोहिनी से विवाह रचाने के लिए नारद मुनि जी आते हैं क्योंकि उनके अंदर एक अभिमान का अंकुर सा उत्पन्न हो जाता है। बस उसी पे आज की जो लीला आधारित है, भगवान विष्णु नारद जी को उनका अभिमान तोड़ने के लिए एक वानर का रूप दे देते हैं। आज की लीला बहुत ही मजेदार है, कृपया करके आप सब आइए और लीला का आनंद उठाइए। जय श्री राम। भाई सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं 32 सालों से रामलीला कर रहा हूँ, 25 सालों से यहाँ पीतमपुरा की स्टेज पे हूँ। आज मेरा रंगी बिरंगी कॉमेडियन का रोल है, आप कृपा करके आइए और इसको देखो, आप कृपा करके आइए और इन्जॉय कीजिए, मज़ा आएगा आज। जय श्री राम। मेरा नाम मंजीत है, मैं आज रंगी बिरंगी का रोल कर रहा हूँ और मैं इस टीम से 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु राम की कृपा है जो हमारे पे कृपा बनाए रखे है। आप सभी से निवेदन है, आप आए और लीला को देखें। मेरा नाम रोहताज है, मैं पहले हनुमान का कैरेक्टर करता था और अब इस समय ड्रेस में नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ हनुमान के करेक्टर से। अब मैं खाली लोगों को सजाता हूँ। मैं प्रिया पांडे, आप सभी आइएगा, मैं यहाँ पर पार्वती, वीरवती और अखिले का किरदार निभा रही हूँ। ये सभी रोल हमने आपके लिए ही किए हैं, तो आप देखने आएंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मेरा नाम नितिन है और मैं पीतमपुरा पीयू ब्लॉक से 13 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पापा शोभराज रंग का नाम है, रावण का रोल करते थे उन्होंने और तो बचपन से यहीं पे आते थे हम रावण का रोल देखने, तो ऐसी शौक हमें भी हुआ तो बचपन से, तो यही है मैं भी रोल करता हूँ बहुत से रोल।
जैसे कि अंगद का कर रखा है मैंने, ताड़का का किया हुआ है, आदि बहुत से रोल किए हुए हैं, अधूरी का आदि। जय श्री राम। पी ब्लॉक रामलीला कमेटी सभी दर्शकों का YouTube पर स्वागत करती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पी ब्लॉक रामलीला की प्रस्तुति कर रहे हैं, किंतु कोरोना के कारण इस बार हम छोटे स्केल पर रामलीला कर रहे हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने घर बैठकर YouTube पर ही रामलीला का प्रसारण देखिए। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन अपने डायरेक्टर साहब से कराता हूँ। सचिन जी, ये सचिन शर्मा जी हैं हमारे छोटे भाई, ये हमारी रामलीला का निर्देशन कर रहे हैं। और जो भी आप सुंदर सुंदर दृश्य YouTube पर देखेंगे वो सब सचिन जी द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। जय सियाराम।